इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम बोल रहे हैं, एक तरफ आप देख पा रहे हैं नॉर्मल ग्लोमेरुला या ग्लोमेरुलस। जैसा कि हमने पहले सीखा है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जो ये पूरा एक गुच्छा बना हुआ है कैपिलरीज का, इसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, जो हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में मदद कर रहा था। तो यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें जो ग्लोमेरुलस है वो नॉर्मल दिख रहा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक इमेज जिसमें जो ग्लोमेरुलस है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी वो डैमेज हो गया है, उसमें सूजन आ गई है। और इसी चीज को, जिसमें हम बोलते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बच्चों, नाम से ही हम यहाँ पे इसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है उसमें स्वेलिंग आ गई है, यानी इन्फ्लेमेशन हो गया है ग्लोमेरुलाए का, जो किडनी में प्रेजेंट है, और इसीलिए हमने इसे बोला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।